बीजेपी के प्रभारी मंगल पांडे साहब से। पांडे साहब, 9 तारीख को चुनाव है, आप लोग लगातार 50+ की बात कर रहे हैं, 50+ दिख रहा है आप लोगों को? मैं केवल 50+ ही नहीं बोलता, मैं ये कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव के परिणाम एक ऐतिहासिक परिणाम होंगे। आज तक किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए जितना बड़ा समर्थन हिमाचल की जनता का नहीं मिला हुआ मिला होगा, उससे बड़ा समर्थन इस बार हिमाचल की जनता भाजपा को देने वाली है, और ये बड़ा साफ दिखाई पड़ रहा है जिस प्रकार से पूरा चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभाओं में जिस प्रकार से लोगों की भागीदारी हो रही है, प्रधानमंत्री जी का रिस्पॉन्स जिस तरीके से हो रहा है, प्रधानमंत्री जी को जो आश्वासन दे रहे हैं, और उसके अलावा हमारे अन्य केंद्रीय और प्रदेश के नेताओं के जो दौरे हो रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, उसमें जो अपार जनसमूह उमड़ के आ रहा है और समर्थन व्यक्त कर रहा है, वह इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की हवा नहीं आंधी चल रही है। नोटबंदी के बाद लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की हार होगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत हुई वहां पे। अब जीएसटी की बात चल रही है, हिमाचल में चुनाव है, क्या लगता है कि जीएसटी का असर आप लोग को लाभ मिलेगा कि हानि होगी? जीएसटी का भी असर वैसे ही दिखेगा जैसे नोटबंदी के बाद के सारे चुनाव परिणामों के असर दिखे। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आप लगातार दौरे कर रहे हैं, प्रभारी हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं आप बिहार में चुनाव देखा, हर राज्य में कई राज्यों में आप गए हैं, लेकिन हिमाचल का चुनाव अलग कुछ दिख रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। मैं जितने भी राज्यों के चुनाव में गया हूँ, कहीं का मुख्यमंत्री जमानत पर नहीं होता था। हिमाचल के चुनाव में जरूर देख रहा हूँ कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री जमानत पर है, फिर भी उसकी पार्टी ने उसी जमानती आदमी को नेता घोषित कर दिया। ऐसा किसी राज्य में आज तक नहीं देखा। कानून व्यवस्था की स्थिति हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में जितनी बिगड़ गई है, उतना शायद आज तक किसी जगह नहीं देखा। जो सचिवालय होता है मुख्यमंत्री का, वहां जिस प्रकार से टायर्ड और रिटायर्ड अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने तैनात कर रखा है, ऐसा भी किसी प्रदेश में हमने नहीं देखा। कुल मिलाके एक अजीब स्थिति में हिमाचल को लाके वीरभद्र सिंह जी ने खड़ा कर दिया है। ऐसी परिस्थिति किसी राज्य में नहीं थी, और यही कारण है कि हिमाचल की जनता गुस्से से भरी हुई है, आक्रोशित है, और इंतजार कर रही है 9 तारीख के सुबह 7 बजने का, जिस दिन लंबी लंबी लाइन लगा के इस सरकार के खिलाफ लोग मतदान करेंगे। और खास करके महिलाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा है। आप देखिएगा, 9 तारीख के मतदान के दिन हिमाचल प्रदेश के हर एक मतदान केंद्रों पर सुबह में महिलाओं की बड़ी लाइन दिखाई पड़ेगी। एक आखिरी सवाल यह है कि सियाजीत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर वीरभद्र का आरोप साबित होता है तो पार्टी कार्रवाई करेगी, क्या लगता है कि उनका जो बयान है सही है? ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, पूरा आला कमान ही भ्रष्टाचार के आरोप से घिरा हुआ है। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, तो जिस पार्टी का आला कमान ही भ्रष्टाचार से घिरा हो, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हो, वह पार्टी कैसे हिम्मत कर सकती है? और यदि हिम्मत था तो वीरभद्र को नेता घोषित नहीं करते। इन लोगों ने तो सरेंडर पहले ही कर दिया है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रभारी हिमाचल प्रदेश के मंगल पांडे साहब, जिनको पूरी तरह से विश्वास है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में कमल खिलेगा। कमल चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, शिमला।